हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रियल मी नारजो 75G फ़ोन है, तो रियल मी नारजो 75G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में कैसे नोटिफिकेशंस वगैरह को आप कैसे हाइड कर सकते हैं और आप कैसे नोटिफिकेशंस वगैरह को छिपा सकते हैं अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि नोटिफिकेशंस वगैरह को आप कैसे हाइड कर सकते हैं और आप कैसे छिपा सकते हैं अपने फ़ोन में नोटिफिकेशंस को। तो बताने वाले हैं, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन शो हो रहे हैं जिसमें से आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही सेटिंग्स आ जाएगी जिस पे जाकर नोटिफिकेशंस को आप हाइड कर सकते हैं, छिपा सकते हैं। सिंपली बस आपको नोटिफिकेशन सेटिंग्स पे जाना है। जब आप नोटिफिकेशन सेटिंग्स पे जाते हैं तो नोटिफिकेशंस को हाइड कर सकते हैं, छिपा सकते हैं अपने फ़ोन में, जिसको आप यूज़ कर पाएंगे और नोटिफिकेशंस को हाइड भी कर सकते हैं। सिंपली स्टेटस बार पे जाना है अगर आपके नोटिफिकेशन आइकन सेटिंग्स हैं और आपके नोटिफिकेशंस यहाँ पर स्टेटस बार पे शो हो रहे हैं तो आप उसको हाइड कर सकते हैं, छिपा सकते हैं अपने फ़ोन में। देख सकते हैं कि छिपा सकते हैं नोटिफिकेशंस वगैरह को और हाइड भी कर पाएंगे अपने फ़ोन में। यहाँ से बट डू नॉट शो करना और नोटिफिकेशंस आपके फ़ोन में हाइड हो जाएंगे और छिप जाएंगे, जो आपके फ़ोन पे शो नहीं करेंगे। तो इस तरीके से भी नोटिफिकेशंस को आप हाइड कर सकते हैं, छिपा सकते हैं अपने फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर पाएंगे और आप चाहें तो इस तरीके से छिपा सकते हैं नोटिफिकेशंस को। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।